बैटलग्राउंड्स मोबाइल इंडिया के नए अपडेट में दिख रहे सी मॉन्स्टर स्पॉन आइलैंड से लेकर मैच के अंदर भी दिख रहे हैं, वहां पर स्पेशल क्रेट्स हैं, यहां पर नई तरह के मेका गेम के अंदर ऐड होते जा रहे हैं जिनकी स्किन्स भी है बहुत सारी। न्यू रिकॉल बीकन्स दिख रहे हैं गेम के अंदर, मटेरियल्स फ्री मिल रहे हैं, मिनी मटेरियल्स के भी फ्री इवेंट्स गेम के अंदर दिख रहे हैं। सेल्फ ड्राइविंग शॉप्स दिख रही है, एक ऐसी शॉप जिसको खुद गाड़ी चलाकर कहीं भी मैप के ऊपर लेकर जाया जा सकता है और लूट की जा सकती है, फिर उसको डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। तो क्या हाल है, कैसे हो आप? रेडी हो जाओ बीजीएमआई के नए अपडेट के बारे में बहुत कुछ नई चीजें चेकआउट करने के लिए, क्योंकि काफी इंटरेस्टिंग हो चुका है अभी नया अपडेट। तो फाइनली रिकॉल बीकन आ गए और रिकॉल फ्लेयर गन को रिमूव कर दिया है शायद, क्योंकि फ्लेयर गन और मैग्नेट गन दोनों पिस्टल के स्लॉट पर इक्विप हो रही थी और एक साथ नहीं खेल पा रहे थे प्लेयर्स उनसे। ये देखो सबसे पहले अपडेट इन्फॉर्मेशन जिसमें दिख रहा है गोल्डन मेकर रोबोट और A7 रॉयल पास वर्चुअल एज, यहाँ है नया फ्लाइट पाथ एनिमेशन, न्यू स्ट्राइडर कलर्ड लेविट्रॉन, फास्टर मेकर रोबोट्स, मैग्नेट गन स्किन्स, न्यू रिपेयर शॉप एनिमेशन। मैच स्टार्ट होती दिखता है एक बड़ा सा ऑक्टोपस या फिर कोई सी मॉन्स्टर जो कुछ इस तरह से पानी के बाहर निकलता है यहाँ पर, लेकिन ये सी मॉन्स्टर बस यही नहीं मैच के अंदर भी दिखता है। तो मैच में ये कहां पर दिख सकता है, इसे कैसे स्पॉट करना है और इससे रिलेटेड इवेंट क्या है, उसे किस तरह से खेलना है, ये भी चेकआउट करने जा रहे हैं। तो मैच स्टार्ट होती न्यू मैप दिखता है और लेजेंडरी पायलट चैलेंज दिखता है जिसके मिशंस को कंप्लीट करती फ्री स्किन्स और फ्री इफेक्ट्स मिलने वाले हैं सबको गेम के अंदर। तो गाइस क्या आप रोज बीजीएमआई खेलकर 5 लाख रुपए से ऊपर जीतना चाहते हो? बता। तो ये 100% ट्रस्टेड ऐप है सो स्ट्रॉन्ग, और सो स्ट्रॉन्ग के 35 लाख के आसपास डाउनलोड्स हैं और ये 10 करोड़ के आसपास की विनिंग्स बांट भी चुके हैं। वैसे सो स्ट्रॉन्ग की सबसे बढ़िया बात ये है कि इसमें काफी टाइप्स के टूर्नामेंट्स मिलते हैं, स्पेशली इंस्टेंट टूर्नामेंट जिनमें जीरो वेटिंग टाइम है। और सो स्ट्रॉन्ग में तो कस्टम रूम्स की भी जरूरत नहीं है, बस अपने क्लासिक रैंक मैचेस खेलो जैसे आप रोज खेलते हो और सो स्ट्रॉन्ग खुद ही आपके किल्स डिटेक्ट करके आपको पैसे दे देगा। तो सो स्ट्रॉन्ग से रोज बीजीएमआई खेलो और पैसे जीतो, और तो और इनका खुद का एक बहुत ही कमाल का एंटी चीट भी है। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट्स में दे दिया है, क्योंकि पहले 1000 यूजर्स को मिलेगा 600 रुपए बोनस जिससे आप फ्री में टूर्नामेंट भी खेल सकते हो। पाएगा मजा खेल का। और मजे की बात तो ये है कि आप जो भी पैसे जीतोगे वो आप किसी भी UPI ऐप जैसे गूगल पे, पेटीएम, फोन पे से इंस्टेंट विड्रॉ भी कर सकते हो। मोगेम्बो खुश हुआ। तो देर किस बात की है, फटाफट डाउनलोड करो, खेलो और जीतो 5 लाख रुपए तक डेली। लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे रखा है, अभी जाके डाउनलोड करो। तो BGMI न्यू अपडेट में नया रिकॉल बीकन गेम के अंदर ऐड हुआ है, क्योंकि फ्लेयर गन के साथ कोई इशू चल रहा था, तो जो ग्रीन रिकॉल फ्लेयर गन थी वो पिस्टल स्लॉट पर लग रही थी और मैग्नेटिक गन भी पिस्टल स्लॉट पर ही लग रही थी, और इसीलिए शायद गेम के इस नए अपडेट में उसे हटा दिया है और ये वाला नया रिकॉल बीकन डाल दिया है। पर इनका यूज एक ही है, इसे इस तरह से थ्रो करोगे तो बंदा वापस आ जाएगा। लेकिन पूरे मैच में अभी तक एक ही एक्स्ट्रा रिकॉल देखने को मिल रहा है, वो चाहे यहाँ से ऑटो रिकॉल ले लो या फिर उस बीकन से रिकॉल हो जाओ, या फिर ये देखो पेटियों में एक्सेस कार्ड के साथ रिकॉल कार्ड भी मिल रहे हैं, तो अगर असेंबली बेस पे जंप करोगे तो रिकॉल कार्ड उठा सकते हो। तो मेरे बंदे ने तो दो रिकॉल कार्ड उठा लिए यहाँ पे। और कुछ इस तरह से अब गेम वालों ने दोनों आइटम्स एक साथ यूज करने का मौका दे दिया है कि अब रिकॉल भी कर पाओगे और मैग्नेट गन भी यूज कर पाओगे, दोनों एक साथ कर सकते हो। ये देखो इस भाई ने तो अपना पूरा स्क्वाड ही रिकॉल कर लिया, बस एक बीकन थ्रो किया और इसके सारे बंदे वापस आ गए। BGMI के नए अपडेट में अब मैं इस वैन को चला भी सकता हूँ, तो मुझे यहाँ पे शॉप दिखी जिसके अंदर मैंने इसे ओपन करा तो पता चला अंदर एक 20 रुपए की वैन दिख रही है, तो जैसी मैं उसे खरीदूंगा इसे लेकर कहीं भी जा सकता हूँ। और इसलिए ये देखो कितने सारे अपडेट आ जाते हैं एक छोटे से अपडेट में BGMI के अंदर। तो जितने अपडेट BGMI एक महीने में ले आता है, कोई दूसरा गेम इतने एक साल में भी नहीं लेके आ पाता, समझ रहे हो? मतलब इससे जबरदस्त अपडेट और क्या ही हो सकता है। ऐसी गाड़ियां जो गेम के अंदर डेड पड़ी होती है उन्हें अब मैं चला भी पाऊंगा गेम के अंदर। देख रहे हो हम कैसे इन गाड़ियों को से खरीद के लेकर के जा सकते हैं या फिर डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। देख रहे हो मार्केट ही डिस्ट्रॉय कर दिया, अब कोई इससे कुछ खरीद ही नहीं सकता। सी मॉन्स्टर से न्यू अपडेट, देख रहे हो कैसे एक ऑक्टोपस जैसी चीज पानी के अंदर से बाहर आ रही है और वापस अंदर चली जा रही है, तो ये कोई डैमेज तो नहीं कर रहा है, इसके बुलबुले भी आ रहे हैं वैसे पानी से बाहर। वैसे इसके ज्यादा पास जाने में भी रिस्क है, क्या पता है किसी को नॉक ही कर दे, पर ये किसी इवेंट के रिलेटेड लग रहा है मुझे यहाँ पे। तो क्या इवेंट है ये भी चेकआउट किया मैंने और यहाँ पे स्पेशल क्रेट्स दिख रही है। वैसे काफी सीरियस माहौल हो गया यहाँ पे, देख रहे हो कैसी आवाज आ रही है यहाँ पे, डरावनी सी आवाज आ रही है भाई। और यहाँ एक चेस्ट रखा हुआ है, ये एक पेटी है, इसे खोल कर देखते हैं क्या निकलता है इसमें से। रुको यहाँ से देखेगा, दूसरी तरफ से देखते हैं, तो ये दूर से पता चल जाता है, ये मैप के ऊपर तो मार्क नहीं है, पर इसके आसपास अगर आते हैं तो ये पेटी का मार्कर बना हुआ दिख जाता है, और इस मार्कर के पास आओ और कुछ इस तरह से इस पेटी को खोल सकते हैं फिर हम। सो देखा जाए तो गति पोसाइडन जैसी वाइब आ रही है, इसमें से एक नया आइटम निकला, देख रहे हो क्या है ये? पर्ल है, कोई मोती है, तो मतलब ये कोई इवेंट रिलेटेड
चीज लग रही है मुझे, और ये इवेंट BGMI के अंदर आएगा कि नहीं आएगा थोड़ा सा कहना मुश्किल है। लेकिन मान लो अगर हम इसे नए अपडेट के इवेंट से कंपेयर करें तो एक अल्टीमेट सेट कुछ इस तरह का आ रहा है QBG की स्किन के साथ, और एक फायर मम्मी भी तो आ रहा है नए वाला कुछ इस तरह का दिखने वाला। तो इस नए BGMI अपडेट में पिछले मम्मी सेट्स के साथ एक नया फायर मम्मी आ रहा है। यार ये तो सही लग रहा है मुझे, अल्टीमेट है क्या ये? तो ये देख रहे हो गेम के अंदर जो मैग्नेट गन आई थी इसकी भी गन स्किन से अलग अलग, और इसके भी अलग अलग इफेक्ट्स है, एनिमेशन है, दोनों बिल्कुल अलग है, एक बेसिक है और एक अपग्रेडेड है। इसे कैसे अपग्रेड करना है और जल्दी से ये चेकआउट करते हैं। तो मैच शुरू होती हमें ये इन गेम मिशन दिखेंगे। यहाँ सबसे पहले हमें स्पेसशिप में 10 बंदे मारने, तो दूसरा अनलॉक हो गया। दूसरा पता चला 4 बार यहाँ पे मेका रोबोट को लॉन्च करना है, ये फिनिश होगा तो तीसरा अनलॉक हो जाएगा। और कुछ ऐसा ही जबरदस्त है पायलट चैलेंज। अब इसमें मुझे स्किन्स मिल रही है बहुत सारी, फ्री में किल फीड मिल रही है, एलिमिनेशन ब्रॉडकास्ट वही होती है, तो ये सारे रिवॉर्ड्स मुझे बिल्कुल फ्री मिल रहे हैं गेम के अंदर। लेकिन इन फ्री रिवॉर्ड्स को लेना इतना आसान भी नहीं है, इन्हें कंप्लीट करने के लिए स्किल चाहिए, तो ये सारे मिशन पूरे करने पड़ेंगे तब जाकर ये रिवॉर्ड्स मिलेंगे। तो अगर आपके पास स्किल नहीं है तो UC से स्किन्स परचेज कर लो, और स्किल है गेम अच्छा खेलते हो तो इन मिशन्स को कंप्लीट करो और इनसे स्किन्स अनलॉक कर लो। और फाइनली कुछ इस तरह से हो जाता है इन गेम मिशन कंप्लीट, और पता चल जाता है हमें कि वो मिशन पूरा हो गया और नेक्स्ट मिशन आ जाता है। आगे नई पीक कैंसिल सेटिंग, अगर यहाँ पे स्प्रिंट करोगे तो पीक कैंसिल हो जाएगा, लेफ्ट पीक राइट पीक अपने आप हट जाएगा। अगर इसे डिसेबल करोगे तो स्प्रिंट करने के बाद भी पीक ऑप्शन कैंसिल नहीं होगा। नेक्स्ट मिली ऑटो ड्रॉप तो हम पहले भी चेकआउट कर चुके हैं, और 120 FPS भी गेम के अंदर एड हो ही चुका है। और न्यू अपडेट के मैप में अब ड्रॉप कहाँ पर हो रहा है ये साफ साफ मैप खोल कर देख सकते हैं। नॉर्मल ड्रॉप भी दिख जाएंगे और ये स्पेशल स्पेसशिप वाले 6-7 ड्रॉप जो एक साथ होते हैं ये भी दिख रहे हैं कहाँ पर गिर रहे हैं। फिर इसके बाद BGMI न्यू अपडेट में स्पेसशिप का मैप भी रिवील हो गया है। तो ये इतने सारे सेक्शंस बने हुए हैं मैप के अंदर, हम सब देख सकते हैं। और अब आगे है गेम प्ले गाइड इंफॉर्मेशन, हर आइटम के बारे में जानकारी दे रखी है। तो चाहे वो जेट पैक हो, सेल्फ रिवाइव किट, मैग्नेट गन, रिकॉल बीकन, स्टील आर्क, स्पेसशिप, असेंबली बेस, सारी चीजें बता रखी है। क्विक पैराशूट के बारे में भी डिटेल बता दिए, तो अंग्रेजी में लिखा है, इंग्लिश में पढ़ो और समझ लो क्या चीज कैसे हो रही है। फ्री मटेरियल इन न्यू अपडेट, तो अगर इस पहले बेटा की माने तो इसके हिसाब से यहाँ 200 कॉइन में मिनी मटेरियल और 2000 में एक परमानेंट मटेरियल मिल रहा है। तो ये पहला बेटा है, आएगा नहीं आएगा अभी कंफर्म नहीं है, पर अगर आ गया तो ये काम आने वाले हैं। न्यू A7 रॉयल पास पर्क्स, तो एक रोबोट की स्किन दिख रही है और यहाँ पे एक स्पेशल मिली की स्किन भी लग रही है मुझे, लेकिन वो या तो शॉप में से परचेज करनी पड़ेगी या फिर उसके लिए इलीट रॉयल पास लेना पड़ेगा तब मिलेगी। तो फाइनली 3.2 ऑफिशियल अपडेट अब आ चुका है, 14 तारीख इसके मोड ऐड होने की तारीख है। तो अगर आप ये वीडियो 14 या उसके बाद देख रहे हो तो मोड ऐड हो चुके हैं, वरना अभी सिर्फ अपडेट ही आया है, मोड ऐड नहीं हुए हैं। और ये जो मॉन्स्टर आप देख रहे हो इसे थोड़ा करीब से देखते हैं, देख रहे हो क्या दिख रहा है आपको? चलो खैर, मुझे तो ये ऑक्टोपस जैसा ही लग रहा है, पर आपको क्या लगता है मुझे बताना कमेंट्स में। लेकिन ये मॉन्स्टर भाई यहाँ पे हर जगह दिख रहा है पूरे मैप पे, और इसकी एक सीक्रेट है, पता है क्या है? तो सीक्रेट ये है कि जब भी हम रोबोट के अंदर होंगे मॉन्स्टर तभी बाहर आता है, इसलिए इसी मॉन्स्टर को बाहर निकालने के लिए एक मेका रोबोट को आसपास होना जरूरी है। तो जब भी इसके आसपास कोई मेका रोबोट आता है ये कुछ इसी तरह से पानी से बाहर निकल आता है। फिर चाहे ये पानी के अंदर कहीं भी छुपा हो, जहां पर भी एक मेका रोबोट होगा ये पानी से बाहर निकलने की कोशिश करता है। गेम में नया किल इफेक्ट आ चुका है जो कि शायद फ्री हो, आखिरी बंदे को मारने पर कुछ इस तरह का थंडरस्टॉर्म इफेक्ट दिखाई देगा। मतलब पहली बार में देखो तो काफी स्केरी लगता है, नहीं ये काफी डरावना सा लगता है। अपने फ्रेंड्स को शेयर करो, बहुत ही जबरदस्त अपडेट लग रहा है मुझे। तो ये आपको कैसे लग रहा है बताना कमेंट्स में। मैं चलता हूं, मिलता हूं अगले वीडियो।